बीती जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया, अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूँ। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आज सर्वोच्च न्यायालय से इंटरिम बेल ग्रांट की गई है। बहुत आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। अगर हम बात करें लीगल एस्पेक्ट की, तो क्या ये इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही साबित करती है, या कोर्ट का ये मानना साबित करती है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से लीकर स्कैम में लिप्त नहीं थे? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बेल जो आज अरविंद केजरीवाल को मिली है, ये इंटरिम बेल है। और इंटरिम बेल के अंदर जिस जो ग्राउंड सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है उनके चुनाव प्रचार को लेकर। कहीं भी इस पूरे मामले में जो 15 दिन की इंटरिम बेल दी गई है, उसमें कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये नहीं कहा गया कि अरविंद केजरीवाल लीकर स्कैम में लिप्त नहीं थे। और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अभी आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह माना है और इसीलिए उसको बेल मिली है, तो बिल्कुल गलत है। इस पूरे मामले पे अभी कार्यवाही जो है कानूनी वो चल रही है। आगे ईडी की चार्जशीट फाइल होगी, साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई है अरविंद केजरीवाल की पिटीशन की, वो अभी चलेगी। और इस चीज के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। जो बेल ग्रांट की गई है वो सिर्फ एक इंटरिम बेल है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया, अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूँ। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए।